Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन का नेक्स्ट एग्जांपल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एसिम्प्टोटिक के बेसिक और एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था, प्लीज आप वो वीडियो को भी देखिए। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको ये तीन नोटेशंस यूज करने हैं और आपको यूज करके आपको फाइंड करने हैं इनके रेंजेस। तो हम अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कंसिडर एफ ऑफ एन इक्वल टू, तो हमें फंक्शन दिया है 3n+3 और फिर आपको लिखनी है जी ऑफ एन की वैल्यू। तो आपको हमेशा देखना है एन की वैल्यू, इसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री अगर रहती है तो वो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एन है तो आपको यहाँ लिखना है जी ऑफ एन की वैल्यू एन। फिर आपको फंक्शन की तीन तरह से आपको उसकी रेंजेस फाइंड करनी है, तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रहेगा लोअर बाउंड, फिर है टाइट बाउंड और फिर है अपर बाउंड, और आपको यहाँ पे लिखनी है इसकी वैल्यूज़। तो आपको देखना है हमेशा फंक्शन का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी आपको वो लिखनी है। तो यहाँ पे है 3n, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n, टाइट बाउंड में भी 3n और अपर बाउंड में आपको हमेशा 1 ऐड करना है, तो वैल्यू हो जाएगी ये 4n। और सबसे पहले आपको फाइंड करना है बिगो नोटेशन की रेंजेस, और इसकी कंडीशन है f ऑफ n स्मॉलर देन इक्वल टू c इंटू g ऑफ n, और हमें f ऑफ n की वैल्यू दी है 3n+3। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3n+3 स्मॉलर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन की वैल्यू है एन, और फिर आपको लिखनी है सी की वैल्यू। तो जब भी आप बिगो नोटेशन सॉल्व करोगे तो आपको लिखना है अपर बाउंड और आपको लिखनी है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4। फिर आपको इसकी रेंजेस फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3n+3 स्मॉलर देन इक्वल टू 4n। फिर सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर एन इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलती है 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 4 और यहाँ पे कंडीशन हो जाती है फॉल्स, क्योंकि 6 ग्रेटर है 4 से। फिर आपको चेक करना है फॉर एन इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू मिलती है 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 8 और सेम यहाँ पे भी कंडीशन हो जाती है फॉल्स। फिर आपको देखना है फॉर एन इक्वल टू 3 और यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 12 स्मॉलर देन इक्वल टू और सेम यहाँ पे हो जाती है वैल्यू 12 और ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, वैल्यू दोनों भी सेम है। और फिर आपको लिखना है बिगो की कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमें यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एन इक्वल टू बिगो जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन की वैल्यू है 3n+3, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3n+3 इक्वल टू बिगो और जी ऑफ एन की वैल्यू है एन, और आपका यह फाइनल सॉल्यूशन है। और फिर आपको लिखना है फॉर ऑल, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू तीन बार यूज़ की है, तो आपको यहाँ पे लिखना है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और आपको लिखनी है फिर c की वैल्यू जो है 4। फिर आपको फाइंड करनी है रेंजेस ओमेगा की, तो आपको यहाँ पे लिखना है ओमेगा और उसकी कंडीशन है f ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू g ऑफ n और f ऑफ n की वैल्यू है 3n+3 ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू g ऑफ n और g ऑफ n की वैल्यू है n। फिर आपको लिखना है c की वैल्यू, तो ओमेगा हमेशा होता है लोअर बाउंड, यानी आपको देखना है लोअर बाउंड और उसकी वैल्यू है 3, यानी यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आपको ओमेगा की रेंजेस फाइंड करनी है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे 3n+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3n। फिर हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ट्रू, क्योंकि 6 ग्रेटर है 3 से। और फिर आपको लिखना है ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आपको लिखना है एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन की वैल्यू है 3n+3 इक्वल टू ओमेगा और जी ऑफ एन की वैल्यू है एन, और आपका ये ओमेगा के लिए फाइनल सॉल्यूशन है। और फिर आपको लिखना है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, और हमने एक ही बार यूज़ किया है एन, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 और सी की वैल्यू है 3। फिर आपको फाइंड करनी है रेंजेस थीटा के लिए, फिर आपको यहाँ पे लिखना है थीटा और इसकी कंडीशन है सी वन जी ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन, और फिर आपको लिखना है सी वन और जी ऑफ एन की वैल्यू है एन स्मॉलर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन की वैल्यू है 3n+3 स्मॉलर देन इक्वल टू सी टू और जी ऑफ एन की वैल्यू है एन। फिर आपको वैल्यू लिखनी है सी वन और सी टू की।
तो आपको C1 में लिखनी है लोअर बाउंड की वैल्यू जो है 3, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3n स्मॉलर देन इक्वल टू 3n प्लस 3 स्मॉलर देन इक्वल टू, और C2 के लिए आपको यूज़ करनी है वैल्यू अपर बाउंड की जो है 4, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4n, फिर आपको इसकी रेंजेस फाइंड करनी है, फिर आपको लिखना है फॉर एन इक्वल टू 1, तो आपको वैल्यू मिलती है 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे कंडीशन हो जाती है फॉल्स क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है। और फिर हम चेक करेंगे फॉर एन इक्वल टू 2, और ये वैल्यू हो जाती है 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 8, और यहाँ पे भी कंडीशन हो जाती है फॉल्स क्योंकि 9 ग्रेटर है। और फिर हम चेक करेंगे फॉर एन इक्वल टू 3, और यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 9 स्मॉलर देन इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 12 स्मॉलर देन इक्वल टू, और ये वैल्यू भी हो जाएगी 12, और यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ट्रू क्योंकि ये वैल्यू आपको चाहिए स्मॉलर, और ये दोनों भी वैल्यू है इक्वल। और फिर आपको लिखना है थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी, फिर आपको लिखना है एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा जी ऑफ एन, तो यहाँ पे एफ ऑफ एन की वैल्यू है 3n प्लस 3 इक्वल टू थीटा, और जी ऑफ एन की वैल्यू है एन, और ये थीटा के लिए फाइनल सॉल्यूशन है। और फिर आपको लिखना है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे आपने एन 3 टाइम्स यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे लिखना है 3, और यहाँ पे आपने सी की दो वैल्यूज की है C1 इक्वल टू 3 और C2 इक्वल टू 4। तो आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एग्जांपल्स आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।